नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज जन्माष्टमी है। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने नहा लिया है और आज हम जन्माष्टमी की पूजा की कुछ सामग्री बाजार से लेने जा रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष के नहीं अपितु पूरे दुनिया के हर घर में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, मोरो छोटो सो लड्डू गोपाल। दोस्तों, हम आए हुए हैं अपनी पासबुक प्रिंट कराने। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पासबुक प्रिंट मशीन लगी हुई है। आप देख सकते हैं मेरी पासबुक प्रिंट हो रही है। मैंने नीचे अपनी पासबुक लगा दी हुई है और सामने मशीन प्रिंट कर रही है। कितना डिजिटल काम हो गया है, मशीन के द्वारा पासबुक प्रिंट की जा रही है। मेरी पासबुक प्रिंट हो चुकी है और मैं उसको कलेक्ट कर रहा हूँ। मेरी पासबुक प्रिंट हो चुकी है। आप देखिएगा, सामने सरस्वती विद्यालय आ चुका है। यहाँ पर अपना बैग लेने के लिए हम आए हुए हैं। कितना अच्छा विद्यालय, सरस्वती विद्यालय। ये मेन गेट है क्या? ओम और मुकदर, त्रिशूल, शंख, स्वास्तिक, कितना अच्छा यह सब गेट है। देखिएगा, हम सामने के गेट से अंदर आए हुए हैं। हम देखते हैं सामने पानी की टंकी और ठीक सामने शिशु संस्कार वाटिका, उसके बाद विद्यालय का प्रवेश द्वार का मुख्य दरवाजा। देख सकते हैं कितने कतार में, पंक्ति में अशोक के पेड़, कितनी लंबी बिल्डिंग, यह ग्राउंड, यह पार्किंग व्यवस्था। आप देख सकते हैं साइकिल स्टैंड लगी हुए हैं और विद्यालय वाहन। हम इससे ही कल जटाशंकर धाम गए थे, जिसमें हम अपना बैग भूल गए हैं और बैग को लेने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों देखिएगा, बच्चों को खेलने के झूले, यह स्लाइडिंग। बच्चे यहाँ पर आते हैं जब विद्यालय लगता है तो बहुत ही अच्छा खेल खेलते हैं। आगे आप देख सकते हैं अटल टेक्निकिंग लेबोरेटरी। इस शाला में विद्यार्थी वैज्ञानिक प्रयोग सीखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल खेला करते हैं, झूला झूला करते हैं। आप आगे देख सकते हैं हमारे विद्यालय का सरस्वती शिशु मंदिर का खेल ग्राउंड। और आपको बता दें, ठीक आप देख सकते हैं ठीक सामने छात्रावास है, जहां पर हम आपको ले चलते हैं। दोस्तों, सरस्वती शिशु मंदिर का भव्य विद्यालय, आप देख सकते हैं केजी वन से लेकर 12वीं तक का यह विद्यालय है। यहां पर बच्चे पढ़ते हैं और फ्री टाइम में, इंटरवल में यहां पर प्लेग्राउंड में खेलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ठीक सामने भारत रत्न नानाजी देशमुख छात्रावास। हम छात्रावास के ठीक सामने खड़े हुए हैं। यह ऐसा छात्रावास है जहाँ पर विद्यार्थी रहते हैं, यहीं पर उनकी पढ़ाई होती है, यहीं पर ट्यूशन होती है, यहीं पर उनके भोजन और रहने की व्यवस्था होती है। बहुत ही बिरला छात्रावास हमारे छतरपुर जिले में सरस्वती विद्यालय में है। अगर आप किसी का एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो ज़रूर आप यहाँ पर दिलाइएगा। आपको एक और जानकारी बताना चाहते हैं कि इसी छात्रावास में मेरे छोटे भाई ने रहकर 12वीं की पढ़ाई की और यहाँ पर उसने 66 पॉइंट लाए। यह बहुत ही अच्छा, उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करने वाला छात्रावास है जो संस्कार युक्त है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, विद्यालय के मुख्य दरवाजे पर यह विशाल पीपल का वृक्ष लगा हुआ है। कितना सुंदर पीपल का वृक्ष है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर भी इसको लोग बोलते हैं। आप देख सकते हैं विद्यालय प्रबंधन ने मुख्य दरवाजे पर भी पीपल का पेड़ होने पर इसको काटा नहीं है, हटाया नहीं है, बल्कि उसकी और सुरक्षा की है, जो हमको बताता है कि विद्यालय में संस्कार दरवाजे से ही चालू हो जाते हैं, क्योंकि वृक्ष की
रक्षा करना ही हमारा धर्म है। आप देख सकते हैं विद्यालय के ठीक बीचों बीच मुख्य द्वार पर पीपल का वृक्ष है, लेकिन विद्यालय प्रबंधन ने उसको ना काट करके उसकी और सिक्योरिटी व्यवस्था की है। चारों तरफ उन्होंने सीमेंट से उसकी चारों तरफ सेफ्टी की है, चबूतरा बनवा करके। यहीं से विद्यालय के दरवाजे से ही हम विद्यालय के संस्कार देख सकते हैं, जो बच्चों को यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। हमारा सरस्वती विद्यालय, आप देख सकते हैं सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कितना विशाल, जो बच्चों को संस्कारित करता है। यह छतरपुर की सिंचाई कॉलोनी में स्थित है। आप सभी शहरवासियों से आग्रह है कि आप अपने बच्चों का एडमिशन सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अवश्य कराएं। यह सिंचाई कॉलोनी छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, हम आए हुए हैं अपने अंकल और आंटी के यहाँ। देखिए कितना सुंदर गार्डन अंकल द्वारा बनाया गया है घर में। देखिए कई प्रकार के, हजारों प्रकार के पेड़ अंकल द्वारा यहाँ पर छोटे बड़े पेड़ लगाए गए हैं। दोस्तों, आप देखिएगा छतरपुर में बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं हनुमान जी महाराज यहाँ पर रामायण बैठी हुए, बगल में तालाब, कितना सुंदर नजारा। और बारिश का मौसम, छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी पर छतरपुर शहर में बारिश हो रही है और हम भीग रहे हैं और भीगते हुए बारिश का आनंद ले रहे हैं और बढ़ रहे हैं अपने घर की ओर। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर छतरपुर में बारिश का आनंद। देखिएगा दोस्तों, लोग जा रहे हैं और बारिश हो रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं बारिश, हम बाजार से गुजर रहे हैं, सामने से टैक्सी आ रही है और पुलिस की गाड़ी भी आ रही है। देखिएगा गाय चारा खा रही है और हम आगे बढ़ते हैं, पानी बरस रहा है, हम भीग भी रहे हैं। दोस्तों, शहर के बालाजी मंदिर में राम जानकी की प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देखिएगा कितना अच्छा कार्यक्रम है। राम जानकी की स्थापना, कितनी अच्छी शोभा आप देख लिया। राम जानकी की शोभा, कितनी अच्छी लाइटिंग, कितनी अभूतपूर्व यहाँ की सजावट। ये स्थापना आज ही के दिन बालाजी मंदिर में हुई है। आप देखिएगा राम जानकी के दर्शन कीजिएगा, भगवान राम की जय। आप कीजिए बालाजी महाराज के दर्शन और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ठाकुर जी जो झूला झूल रहे हैं, वो छोटो सा लड्डू गोपाल। मंदिर में नौ दुर्गा माता विराजमान है, क्या शोभा है माता की। आप देखिएगा राम जानकी की स्थापना में जो हवन किया गया है, कितना अच्छा हवन दिख रहा है। हवन की आहुति के द्वारा ही भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप देखिएगा भंडारा चल रहा है, बालाजी मंदिर में प्रसाद बट रहा है। दोस्तों, आप देखिएगा बालाजी मंदिर की सजावट, कितनी अच्छी सजावट है, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी डेकोरेशन, कितनी अच्छी लाइटिंग। हम पीछे से बालाजी मंदिर को देखते हैं, हम दूर से बालाजी मंदिर को देख सकते हैं, कितना अच्छा दुल्हन की तरह मंदिर सजा हुआ है। लाइटिंग डेकोरेशन, यहाँ पर राम जानकी की स्थापना की गई है। आज हमारे घर में हो रहा है भगवान कृष्ण का जन्म।
जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमारे छोटे भाई शिवम जी द्वारा जन्म उत्सव किया जा रहा है। स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। अगर आपने इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आप सभी को सादर वंदे मातरम।